हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे छह हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छः अधिकार हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। लेकिन इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है, जब भी प्री का एग्जाम होगा कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे तो इसी तरह से बनते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने के बीच दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने के बीच है, तो ये सब पूछेगा। यहाँ पे मैंने अनुच्छेद लिखा है, अनुच्छेद आप कैसे याद रखेंगे, ये कोड है और इसको अभी हम देखते हैं याद करने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं। पहला है समानता, समानता का अधिकार। तो मैंने केवल की पॉइंट लिखा है जिसे हमें याद ही रखना चाहिए, हमें माइंड में होना चाहिए समानता। तो देखिए, जब हम बचपन में क्या करते थे, जब हम बचपन में हुआ करते थे तो उस समय गर्मियों का दिन याद करिए कि जब होली के बाद लोग बाहर सोना शुरू कर देते हैं छतों पे और बाहर ऐसे चारपाई डाल करके गांव में, तो उस समय क्या करते थे, दादी या नानी के पास सो तो वो लोग कहानियाँ सुनाया करते थे जब छोटे हुआ करते थे, और कहती थी कि देखो वहाँ पे तारे दिखते थे और दिखते हैं तारे आसमान में, तारों को दिखाना, देवताओं के बारे में बताना जिन्हें हम कभी देखे ही नहीं। हमने देखा है क्या, तारे तो देख लिया लेकिन देवी देवता तो देखे नहीं, बस हाँ कल्पना करते हैं कि हाँ वहाँ पे देवता होते हैं ऊपर, ऐसे करते थे। तो हम समानता की बात उस समय कर रहे हैं, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा तारों को देखा, समाज के बारे में तो हमें उतना पता नहीं था जब बचपन में, तो बचपन की बातें सोचते हैं। तो उस समय हमने क्या देखा, तारों को देखा और देवताओं के बारे में सुना। तो हम अभी कल्पना करेंगे तारों और देवताओं की, तो जब भी बात करेंगे समानता की तो किसकी बात करेंगे, तारों की और देवों की। तो समानता, समानता किस में होनी चाहिए, तारों में और देवों में। तो टी का हो गया 1, आर का 4, 14 से लेकर के डी का 1, वी का 8, 14 से लेकर के 18 तक बात होती है समानता की। लेकिन आप याद रखेंगे समानता तारों और देवों में होनी चाहिए। स्वतंत्रता की बात, अब देखिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से याद करेंगे। स्वतंत्रता आपने देखा, स्वतंत्रता हमें कब मिली, आप अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता कब मिली, लेकिन क्या इससे पहले कोई क्रांति हुई थी, नहीं हुई थी। लोग बाहर से आते थे, आक्रमण करते थे, आपस में लूट पाट करते थे हमारे देश के लोग। हमारे भारत वाले क्या करते थे, जो कहीं छोटे छोटे समुदाय के होते थे या फिर कहीं राज्य होता था, वो लोग क्या करते थे, आपस में छोटे छोटे राज्य टुकड़ों में थे और आपस में ही छीना झपटी करते थे, लड़ाई करते थे, तो यही चलता रहा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने आकर के चारों तरफ से बिल्कुल शोषण करना शुरू कर दिया, जब यहाँ की जनता परेशान हो गई तो छोटी छोटी क्रांतियाँ उभर के आई और बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ जिनका तो हमें अभी तक इतिहास में पता ही नहीं है। फिर भी हम इसको कैसे याद करेंगे, कब स्वतंत्रता कब मिली, जब बिल्कुल यहाँ से यहाँ भारत की जनता बिल्कुल परेशान हो गई, जब उनके अंदर डीप, बिल्कुल डीपली यानी कि हृदय में जब उनके अंदर जुनून पैदा हुआ, डीपली जुनून पैदा हुआ, तब जा करके स्वतंत्रता मिली, तब उन्होंने बिल्कुल हर तरह से सोचा करो या मरो, जो गांधी जी का नारा था। तो देखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हमें कब मिली, डीप जुनून से मिली। स्वतंत्रता कैसे मिली, डीप जुनून से। तो डी का 1, पी का 9 और जेड का 0 होता है, 0 छोड़ देते हैं, एन और एन का 2 और 2, 22, यानी कि 19 से लेकर के 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता कैसे मिली, डीप जुनून से मिली। इसके बाद है शोषण का अधिकार। देखिए शोषण, आप तो आप जानते ही हैं कि धर्म जाति के आधार पर भी शोषण हो रहा है आजकल, और होता भी है, पहले भी होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है पूरी हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए तो हुआ है नारियों का शोषण। तो इसको कैसे याद करेंगे, शोषण, शोषण उसी का सबसे ज़्यादा है जिसका नाम है नारी, शोषण सबसे ज़्यादा उसका है जिसका नाम है नारी। आप अपने तरीके से याद करिए, देखिए एन का हो गया 2, एम का 3, 23, एन का 2 और आर का 4, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 में बात की जाती है शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता। अभी आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, वैसे थोड़ा मोड़ा पहले होता था, वैसे कोई भी सरकार हो, कोई सरकार अच्छी नहीं होती, सभी लोग, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं होता क्योंकि सबसे मुझे अच्छा नहीं लगता है सब, ठीक है। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता, अभी क्या है, जाति पाति भेदभाव, बस हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा रूमर फैला दिया है कि अभी दिल्ली में दंगे होंगे हो गए थे। तो देखिए हमें क्या याद रखना है,
जो धर्म और जाति की बाद में अगर बात करा जाए तो हिंदू क्या करते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, तो गेरुआ रंग हो गया उनका, ठीक है। और मुस्लिम क्या करते हैं, हरे रंग को धारण करते हैं, मस्जिद मंदिर पर लगाते हैं, मस्जिद वजिद पे। लेकिन इनके अलावा भी धर्म और जाति हैं, तो और जो धर्म हैं उनको हम याद रखेंगे कि नीले कलर का भी कुछ लोग पहनते हैं और कुछ नेवी कलर का भी पहनते हैं, ठीक है। भले ही न पहनते हो लेकिन हम अपनी कल्पना करते हैं कि नीले कलर के भी पहनते हैं और नेवी कलर के भी लोग यूज़ करते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता केवल गेरुआ और हरे रंग को नहीं बल्कि नीला और नेवी कलर को भी है। तो नीला एन का 2, एल का 5, यहाँ से एन का 2 और वी का 8, यानी 25 से 28 तक की बात होती है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की स्वतंत्रता की बात होती है। इसके बाद है सांस्कृतिक शिक्षा। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, एक दिया जा रहा है या बिल्कुल मौज करो, पूरा खुले घुलो घूमो फिरो कुछ भी करो मौज करो, और एक ऑप्शन दिया गया है कि आप भाई यूपीएससी की तैयारी करो या फिर पीसीएस की तैयारी करो या फिर एसएससी की तैयारी करो बैठ करके, यानी कि पढ़ाई करो, शिक्षा को ग्रहण करो, तो आप क्या पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोग पसंद करेंगे किसको, मौज मस्ती को, ठीक है। आज के बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, तो कैसे याद करेंगे, संस्कृत और शिक्षा, आपसे कहा गया संस्कृत और शिक्षा ग्रहण करो, तो आपने कहा ना भाई हम मौज करेंगे, ना भाई मौज, ना भाई मौज। एन का 2, बी का 9, और यहाँ से देखिए इन सब का मतलब नहीं होता, उसका नहीं मैं नहीं लिख रहा, एम का 3 और एस का 0, यानी कि 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 में बात की गई है सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार। आपने देखा होगा, एक थोड़ा सा हट करके याद करिए, आपने देखा होगा कि जब भी आप गाड़ियों में बैठते हैं, बसों में ट्रेवल करते हैं, जब पढ़ने जाते होंगे, ठीक है, तो उस समय लिखा होता है महिलाओं की सीट के पास भी लिखा होता है कि महिलाएं सीट, ठीक है। ट्रेनों में भी देखा है, मेट्रो में भी देखा है, लेकिन जब उन बसों में देखते थे वहां पर लिखा है, लिखा रहता है रोडवेज में अक्सर करके कि अपने माल की सुरक्षा स्वयं करें, ओके। तो उसी तरह से हर जगह कहीं भी जाओ, ट्रेन में भी जाओ, अपने माल की सुरक्षा स्वयं करें, कहीं भी रहता है कि अपने माल की सुरक्षा स्वयं करें, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करें, लेकिन संविधान कहता है कि हम क्या करेंगे, आपके मनी की सुरक्षा करेंगे और अपने आपके माल की भी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार, जहाँ भी संवैधानिक उपचार हो जाए तो वहाँ पे बात आएगी किसकी, मनी और माल की। तो संविधान कहता है कि हम आपके मनी और माल दोनों की सुरक्षा करेंगे, संवैधानिक उपचार। M का 3, N का 2, M का 3 और L का 5, यानी कि आर्टिकल 32 और 35 में संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। अब देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनता है, पहले तो इनमें से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा, एक क्वेश्चन और इसके इतर बनता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सभी लोगों ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान की आत्मा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ये पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को, 32 को। लेकिन याद कैसे रहेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा सब लोगों ने सबको प्रायोरिटी दिया, लेकिन उन्होंने देखिए 32 को याद रखेंगे यानी कि मनी को याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी चीज़ है तो है क्या, मनी है, तो उन्होंने मनी को याद रखा, मनी को कहा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे मनी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा है। तो इस तरह से दो ही क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, एक तो पूछ लेगा कि समानता का अधिकार किसमें से किसके बीच में है, स्वतंत्रता का इनमें से ऐसे ही पूछ सकता है, और दूसरा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, और बाबा भीमराव अंबेडकर की शब्दों में संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, बस दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।